मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ और वहाँ जितनी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे मैं मिलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी मणिपुर के खुद कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केसेस हुए हैं, तो उन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक सरकार पहुँच पाई है या नहीं, उन तक कोई रिलीफ पहुँचा है या नहीं, वो किस तरीके के डर में जी रही हैं, वो उन तक काउंसलिंग पहुँची है, लीगल एड पहुँची है, कॉम्पनसेशन पहुँची है, कोई धमकियाँ तो नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ों का जायजा लेने और उनकी मदद करने मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मणिपुर सरकार का जो सुझाव है कि मैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करूँ, उसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूँ। मैं मणिपुर मुख्यमंत्री को ये पत्र लिख के बता भी रही हूँ और उनसे अपील कर रही हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश ना की जाए, मेरी मदद की जाए, ऑफिसर्स से बात की जाए और मेरी विजिट रिलीफ कैंप्स में और जहाँ पर भी ये लड़कियाँ हैं वहाँ तक करवाई जाए जिससे कि हम उन तक पहुँचें और उनकी मदद कर सकें। साथ ही दिल्ली में काफ़ी सारी मणिपुर की लड़कियाँ भागकर वहां से आई हैं क्योंकि उनके साथ वॉयलेंस हुई है, उनके साथ मेरी काफी लंबी मीटिंग हुई है, उनकी भी बातें हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती हूं, इसीलिए मैंने उनसे समय भी मांगा है मिलने का। मैम, मणिपुर के बारे में जब विपक्ष के लोग बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप बंगाल की बात क्यों नहीं करते, राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, क्या स्वाति मालीवाल राजस्थान और बंगाल पे जाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर राजस्थान और बंगाल से इस तरीके के केसेस सामने आएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री ये बोलेंगे कि कई 100 केसेस हो रहे हैं और हम उनका कॉग्निजेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं वहाँ पर भी जाऊँगी और मैं वहाँ पर एज एन एक्टिविस्ट जा रही हूँ, एज अ वुमन जा रही हूँ एंड आई नो दैट देर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, मैं फिर भी जा रही हूँ क्योंकि हम सब ने वो वीडियोज़ देखी हैं और वो वीडियोज़ दिल को बिल्कुल दहला देने वाली हैं और उन लड़कियों तक अभी तक मदद पहुंची है या नहीं और उन जैसी बहुत सारी जो लड़कियां और हैं उन तक मदद पहुंची है या नहीं, इसको जानने के लिए जा रही हूं, सिर्फ मदद करने के लिए जा रही हूं। मणिपुर सरकार को मैं भी आश्वासन दे रही हूं कि मैं वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों तक पहुँच कर सरकार की भी मदद करूंगी और लड़कियों की भी मदद। मैम, हमने देखा राहुल गांधी जब मणिपुर विजिट किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वहां पे, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? जी, मैं भगवान का नाम लेके मणिपुर जा रही हूँ और मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करती कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के काम करती रहूँ और ऐसे महसूस करूँ कि कुछ समस्या नहीं है, जबकि समस्या बहुत बड़ी है। मैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान और ये जितनी जगहें हैं, अगर इनसे भी इस तरीके के कोई दिल दहलाने वाले केस सामने आएंगे मैं वहाँ भी जाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के अंदर लड़कियाँ बहुत परेशान हैं और आप ये खुद ही समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जब मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे ही जाने से रोका जा रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई विजिट मणिपुर एंड आई एम विजिटिंग मणिपुर। थैंक यू।